ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन करेंगे क्लास 12th का। ठीक है, अभी आपने जो 11th में किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं किया था, आपने क्या किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में किया था। उसमें आपने क्या किया था कि फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेश होती है कौन कौन सी होती है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट होती है। ओके बेटा, अभी इनवर्स करने से पहले आपने 11th में एक टॉपिक किया था फंक्शन के बारे में। ओके, अभी फंक्शन क्या है कि एक्स एंड वाई, ये कोई मैं रियल कंडीशन बता रहा हूँ कि एक्स एंड वाई आपके पास कोई टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, एक एक्स और एक वाई है। अभी फंक्शन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है डोमेन, ठीक है, हैज यूनिक रीजन कोड मेन, वाई क्या है कोड डोमेन। अभी आप वाई बोलो चाहे इसको क्या बोलो, आप कोड डोमेन बोलो, ठीक है। ओके बेटा, अभी आपने उसका क्या करना है, इनवर्स करना है। इनवर्स का फंक्शन क्या है, जे इनवर्स है, ये भी आपने किया हुआ है 11th। ओके बेटा, अभी इनवर्स, अभी आपको पता जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन करने से पहले क्योंकि आपने किया था वाई इजिकल टू अगर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, जे एक्स है और जे फंक्शन क्या बन गया एफ ऑफ एक्स है। ओके बेटा, तो जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स वाई के इक्वल होगा। जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स वाई के इक्वल होगा। अभी बेटा ध्यान से देखना कि आपने इसको करना कैसे है, ठीक है। अभी सबसे पहले इनवर्स कब होगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्या कि वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अभी बाइजेक्टिव को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। इन्वर्टिबल क्या बोलते हैं हम इसको, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं हम इसको। ओके बेटा, अच्छा अभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 11th में इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे तो वो आपको सीधे सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और 12th में इस चैप्टर की जो वेटेज है मार्क्स वाइज वो भी क्या है इसकी कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है बेटा। तो फिर अगर आपने, अगर इसमें एनसीईआरटी में तो कुछ ज़्यादा दिए ही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको कि आपको पूरा कंप्लीट बेसिक इसका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसको कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में आपको करवाऊँगा। ओके बेटा, अभी जो वन वन ऑन टू होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया, जे मान लो एक्स है, ये क्या है वाई है। ध्यान से देखना बेटा कि अगर एक्स वन है, ये क्या है एक्स टू है, ये क्या है एक्स थ्री है, मान लो आपका ये क्या है ए बी सी है। अभी वन वन कब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट इन एक्स आएगा डिफरेंट मेजिशन वाई, इस तरह से वन वन फंक्शन जो आपने किया हुआ है। ओके बेटा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है डोमेन है, ए बी सी क्या है कोडोमेन है, ए बी सी क्या है कोडोमेन है, ठीक है। जब इनवर्स देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो एफ ऑफ एक्स वन है उसकी मैपिंग क्या है ए है, जो एफ ऑफ एक्स टू है उसकी मैपिंग क्या है बी है, जो एफ ऑफ एक्स थ्री है इसकी मैपिंग क्या है ओके सी है, ठीक है बेटा, ठीक है। जब मैं इसका इनवर्स करूंगा, देखो एक्स वन क्या होगा डोमेन, जे क्या होगा इसका रेंज, ठीक है। जब इसका इनवर्स करते हैं तो जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा, क्योंकि एक्स वन की जो इमेज है वो क्या है ए है, तो ए की प्री इमेज क्या है एक्स वन है, ए की प्री इमेज क्या है एक्स वन है। ओके बेटा, अभी देखो ये फंक्शन ऑन टू भी है, क्योंकि ऑन टू में क्या करवाया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, कि उसकी प्री इमेज बननी चाहिए डोमेन के साथ। अगर प्री इमेज बनेगी तभी वो फंक्शन आपका क्या होगा ऑन टू होगा। जहाँ आपने जा रख लेना है कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा कोडोमेन के इक्वल होगा, जो आपने सारा फंक्शन में किया हुआ है, ठीक है बेटा। अभी देखो ध्यान से देखना कि जैसे ये आपके पास कोई फंक्शन है, देखो आपके पास आपने एक चीज की थी कि अगर आपका सिंगल एलिमेंट है इसकी टू इमेजेस कभी नहीं बनेगी, ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, आपके पास ये फंक्शन हो सकता है कि अगर एक्स में टू एलिमेंट्स हैं इनकी सिंगल इमेज बन सकती है, इफ टू आर मोर एलिमेंट्स इन एक्स हैज द सिंगल इमेज इन वाई, ठीक है बेटा। ये आपके पास फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपने फंक्शन में किया हुआ है ये सारा, ठीक है। अभी देखो एक चीज ध्यान से देखना
कि मैंने ये कोई भी डायग्राम ले रहा हूं मैं यहां पे, ओके, अगर वन वन ऑन टू होगा तभी इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तभी इन्वर्स फाइंड होगा, अदरवाइज इनका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मैंने लिखा ए बी सी। ध्यान से देखना बेटा कि मैंने एक्स वन की मैपिंग लीजिए, इन दोनों की ले लीजिए, फंक्शन है, बट जी वन वन फंक्शन है नॉट वन वन, जी वन वन क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स टू और एक्स थ्री ने सिंगल इमेज बना दी, किसके साथ बनाई आप मैपिंग, बी के साथ बना दी, ठीक है। अभी जी नॉट ऑन टू होगा, जी ऑन टू होगा नहीं होगा, जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जी ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बी की जो प्री इमेजेस आ रही है वो आ रही है टू आ रही है, तो जी आपका फंक्शन ही नहीं बनेगा, इनवर्स फंक्शन ही नहीं बनेगा, ओके। फंक्शन है बट इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, अगर इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी नहीं होगा, ओके बेटा। अभी देखो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कैसे करना, आप लोगों ने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कैसे करना, देखो अगर पाई की वैल्यू साइन एक्स है, देन जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। अब मैं क्लियर करवाऊंगा कि होगा कैसे, ठीक है, मगर आप लोगों ने गलती से भी ऐसे नहीं लिखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स है, बड़े सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं वन अपॉन साइन एक्स, तो ये आपका सीधा सीधा रॉन्ग हो जाएगा, फिर तो सीधी सीधी गड़बड़ी होगी। हाँ अगर चीज ऐसे देते हैं कि अगर साइन एक्स का होल इनवर्स है तो फिर वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं आप, जबकि साइन एक्स का होल इनवर्स है, बट अगर साइन इनवर्स एक्स एक्स तो वन अपॉन साइन एक्स नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो ध्यान से बेटा कि अगर ये आपके पास कोई फंक्शन एक्स है, ये क्या है वाई है, वाई को क्या बोलते हैं हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, बाई को क्या बोलते हैं आप एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, और इसी को क्या है साइन एक्स है, इट मीन जो बाई है वो किसके इक्वल है साइन एक्स के इक्वल है, जो बाई है वो किसके इक्वल है साइन एक्स के इक्वल है, ठीक है। अभी देखो आपने कैसे करना है, देखो ये ग्राफ आपने 11th में किया था कि अगर ये आपके पास ग्राफ क्या है, अगर ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, पाई वैल्यू है 3π/2 है, और जी कितना है 2π है, ऐसे जहाँ पे क्या है -π/2 है, -π, ऐसे सो ऑन है, ठीक है। जे वैल्यू मैंने 1 ले ली और जे क्या ली -π ले ली। अभी आप सही बच्चों को पता कि साइन 0 की वैल्यू क्या, इसके बीच बड़ी सारी वैल्यू आएगी, 0.5, 0.1, 0.2 है ना, बड़ी सारी वैल्यू आएगी, ओके बेटा। अभी आपने जा रखने की साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1, मैंने 1 के इक्वल कर दिया, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन सी पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई -1, ओके। जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, देखो ध्यान से देखना, इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, जो आपने सारा किया हुआ है 11th में किया हुआ है, और साइन 2π की वैल्यू अगेन क्या आएगी 0 की इक्वल आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे देखो आपको फार्मूला पता है कि साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है -sin x, ठीक है। अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी साइन -π/2 की तो -1 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है -sin x, और इसकी वैल्यू क्या होगी -1। ऐसे अगर -π/2 पर वैल्यू करूंगा जी आएगी, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो सेम आपके पास ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी सेकंड चीज क्या है कि अगर देखो ध्यान से देखना, मैं जहां पे थोड़ा सा लिखने जा रहा हूं कि देखो जहां पे तो बड़े सारे नंबर्स हैं, जहां भी है एक्स और वाई, मान लो देखो 0π लिखूंगा 2π लिखूंगा, आपको इन सभी की वैल्यू 0 आएगी, साइन इन सभी की वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी, अगर इन सभी की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, इनमें जो साइन एक्स है वो वन वन फंक्शन नहीं बनाएगा, जो साइन एक्स है वो वन वन फंक्शन नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर ये वन वन फंक्शन नहीं होगा तो इट मीन्स ये इसका इन्वर्स भी नहीं होगा, अगर इसका इन्वर्स नहीं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, अगर साइन का नहीं है इसी तरह से साइन कॉस टैन सेक सेक काट इन सभी का इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा, ठीक है बेटा। अभी नहीं होगा, अभी मेन है कि जी होगा कैसे, आपने 11th में एक चीज की थी कि जहां पे और जहां पे सेम, देखो ध्यान से देखना बेटा,
पे लिख गया माइनस पाई बाई टू जे पाई बाई टू, ओके जे पी पॉइंट है इसका, ठीक है ध्यान से देखना बेटा। अभी आपने इलेवेंथ में पता क्या किया था, साइन का, साइन का जो डोमेन किया था वो किया था माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच वैल्यू की थी। जो आप लोगों ने अरेंज किया था साइन का वो क्या किया था, माइनस वन और वन, किसमें किया था, वाई इक्वल टू साइन एक्स में, वाई इक्वल टू साइन एक्स में किया था, ठीक है। अभी जहां पे कैसे होगा, अभी देखो वाई इक्वल टू साइन एक्स है तो एक्स किसके इक्वल है, साइन वर्स एक्स, अगर एक्स साइन वर्स एक्स वाई के इक्वल होगा इट मीन जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज होगा वो क्या बनेगा, डोमेन, ठीक है। इसका जो डोमेन होगा माइनस वन टू वन बन जाएगा और जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू से लेके कहां तक बनेगा, पाई बाई टू के बीच बन जाएगा, ठीक है। अभी आपने हमेशा याद रखना है कि जो साइन का रेंज होगा वो माइनस वन टू वन के बीच होगा और साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी के बीच होगा, ठीक है बेटा। कैसे होगा, जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई फंक्शन है, ये मेरे पास एक्स वन है, ये क्या है वाई वन है, अदर मैपिंग ये है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स है वन है वो किसके इक्वल होगा, वाई वन के इक्वल। डोमेन क्या हुआ एक्स वन, रेंज क्या हुआ वाई वन। अगर जब आप इसका इनवर्स करते हैं, ठीक है इनवर्स करते हैं तो क्या बनेगा, जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज होगा वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जो बाकी के फॉर्मूलेज होंगे, कैसे आप लोगों ने करने कैसे नहीं करने इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके बेटा थैंक यू।